तो मतलब समझिए कि 85% इकोनॉमी होल्ड करना मतलब 100 रुपये में से 85 रुपये इन देशों के पास है और 15 अन्य देशों के पास, कि ताकि कोई भी दिमाग में किसी की ये ना आए कि मैं यहाँ से पैसा कमा कर बाहर भाग सकता हूँ। इसकी जो पहले G8 में हम शामिल नहीं थे, G20 में हम मेज़बानी कर रहे हैं, हमारे देश की ताकत तो अब दिख रही है। G20 के सम्मेलन में खाना खर्चा, खाना जो हम अपने डिनर पे इनवाइट करते हैं, प्रेसिडेंट के यहाँ इनवाइट करते हैं, ऑब्वियसली अपने घर में हम लोग खुद खाना खिलाएंगे, उनसे पैसे लेके खाना नहीं खिलाएंगे। अभी तक हम लोग क्या एक शर्ट भी बनाते थे, तो आप शर्ट को अभी ध्यान से देखिएगा, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन मतलब फलाना फलाना देशों के नाम उसमें आते थे, अब मेड इन इंडिया। नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजू नारायण और मैं हूँ आपके साथ हरीश असवाल। और आज हम दोनों इसलिए मौजूद हैं क्योंकि भारत में G20 देशों की बैठक नई दिल्ली में जारी है। भारत मंडपम पर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है, मेला राष्ट्रीय अध्यक्षों का, मेला महाशक्तियों का, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। G20 हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये है क्या, इसमें कितने देश शामिल हैं, कौन कौन से देश इस बार भारत में आए हैं, क्योंकि भारत इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। असवाल जी, आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से बता देते हैं कि इससे पहले जब हम इसे G8 कहा करते थे, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, तो कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, अमेरिका, UK, यानी कि तब इसमें भारत शामिल नहीं था। लेकिन आज देखिए 2023 में है हम, और 2023 में भारत G20 देशों की मेज़बानी कर रहा है, और नया अपडेट हरीश जी ये आया है कि अब ये G20 नहीं, अब ये G21 कहलाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको भी स्थायी सदस्यता G20 यानी कि G21 जो आगे होगा उसकी मिल चुकी है। तो G20 को लेकर जो जो देश इस वक्त भारत में मौजूद है, बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ, आगे हरीश जी आपको समझाएंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इतने बड़े पैमाने पर जो खर्च हो रहा है, जो एक्सपेंड हो रहा है, आखिर वो किस कौन सा देश कर रहा है, कौन सी शक्तियाँ मिलकर कर रही है और इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हर चीज़ पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से देश इस बार भारत में आए हुए हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कैनेडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत क्योंकि खुद मेज़बानी कर रहा है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको भारत ने न्योता दिया है अतिथि देश के रूप में। जी हाँ, इसमें बांग्लादेश शामिल है, इजिप्ट शामिल है, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। तो हरीश जी, ये वो अतिथि देश हैं जो शामिल हैं। तो मैं फिर से वापस लौटूंगी उसी टॉपिक पर, उन्हीं पॉइंट्स पर जिन पर हम आगे बातचीत करेंगे, ताकि लोग समझ सके कि G20 को लेकर जो हो हल्ला भारत में मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आज के यंगस्टर्स हैं जो नहीं जानते कि आखिर G20 होता क्या है, G20 क्या है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक 20 देशों का एक समूह है, लेकिन ये काम कैसे करता है, ये आपसे जानने की कोशिश जी। ये काजोल, इसमें 20 देशों का समूह जो है, इसमें 20 ने अब 21 हो गए हैं, जैसे आपने जानकारी अभी दी है। ये वो देश हैं जो दुनिया के 85% इकोनॉमी होल्ड करते हैं। तो मतलब समझिए कि 85% इकोनॉमी होल्ड करना मतलब 100 रुपये में से 85 रुपये इन देशों के पास है और 15 अन्य देशों के पास। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत, बोलते सभी की बड़ी ताकतें एक साथ आज बैठी हैं, और वो कहाँ बैठी हैं, हिंदुस्तान में, मेरे भारत में। तो ये चर्चाएँ जो हैं, काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा है, जैसे कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इस पर क्या एक्सपेंस होने वाला है, इस पे इससे फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, और इसके बाद, इसके फायदे होने के बाद देश की पोजीशन कहाँ होगी। बिल्कुल जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पॉइंट्स लोगों के मन में, जो ख्याल लोगों के मन में आ रहा है, और सवाल भी है, ख्याल भी है, क्योंकि खर्च, देखिए रकम की बात हर जगह होती है, आर्थिक स्थिति भारत की कैसी है इस पर हम बात करते आए हैं, भारत GDP में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो खर्च आया है ये कहां से आया है, कौन खर्च कर रहा है, कितना खर्च हो रहा है, बड़ा बहुत ही बढ़िया सवाल आपका, और मैं समझता हूं दर्शकों ने भी इसमें बारे में सोचा होगा।
और ये सवाल हमारे पास दर्शकों से ये आते हैं कि कहाँ से ये इतना खर्च आया होगा। मैं आपको खर्च के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। इसके बेनिफिट ये है कि हम उस देश की जो पहले G8 में हम शामिल नहीं थे, G20 में हम मेज़बानी कर रहे हैं, तो हमारे देश की ताकत तो आपको दिख रही होगी। दूसरी चीज़ रही इसमें कौन कौन से विचार इसमें होने हैं, कौन कौन सी विचारों पे इस पे चर्चा होनी है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इसमें चर्चा होनी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर इसमें चर्चा होनी है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इसमें चर्चा होनी है, बैंक करप्सी के ऊपर चर्चा होनी है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चर्चा होनी है, एजुकेशन के ऊपर चर्चा होनी है, टेररिज्म के ऊपर चर्चा होनी है। अब सोचिए इसके अलावा कोई पॉइंट बचा है क्या पूरी दुनिया में? बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि इसके अलावा कोई और पॉइंट बचा है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसमें ले ली है कि हम इन सब तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत चल भी रही है। देखिए, दो सत्र तो हो चुके हैं, अब इंतजार है कि जब इससे आगे जो राउंड होगा, जो दूसरा सेशन होगा, उसमें हम किस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आउटकम अभी एक दो दिन बाद आएगा। हाँ, बिल्कुल, पर जरूरी है कि जो टॉपिक्स इसमें रखे गए हैं, देखिए आर्थिक व्यवस्था पर हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का आपने जिक्र किया, सबसे बड़ी समस्या अभी जो बनी हुई है दुनिया की, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा टेररिज्म सबसे महत्वपूर्ण है, और ह्यूमन राइट्स। हम ये जो देश है, बहुत सारे इसमें ऐसे शामिल हैं G20 में जो कि विकासशील हैं। अभी हम मैं सुन रही थी निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रही थी कि हमें विकासशील देशों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, और भारत में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम की नीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम सबके बारे में सोचेंगे, सबके बारे में सोचते हैं। हमारा वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि हमारा पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। जब हम पूरे दुनिया को अपना परिवार की तरह लेते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। अब आप बोलोगे कि इसमें भारत भी आ गया, और इसके अंदर आपके आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक जिस पे हमने कल ही चर्चा करी थी, आप बताएं किस पे चर्चा करी थी? अगर हमने भारत पर चर्चा की थी, क्योंकि अब भारत, क्योंकि हमें इनविटेशन हमने सारे गेस्ट को भारत के नाम से भेजा है, बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की तरफ से, पहले ये इंडिया आ जाता था, तो इन पे हमने चर्चा की थी। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में ये सम्मेलन हुआ है, और इसको हमने किया है। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको गिनाए कि इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही, टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, और बैंक करप्शन के ऊपर बात हो रही है, कि कई कई ऐसे लोग हैं, आपने माल्या और नीरव मोदी और कई लोग आपने सुने होंगे जो हमारे हिंदुस्तान का पैसा लेकर बाहर जाके बस जाते हैं, और वहाँ की सरकारें उन्हें शरण देते हैं। उन संधियों के ऊपर बात होनी है कि ताकि कोई भी दिमाग में किसी की ये ना आए कि मैं यहाँ से पैसा कमा कर बाहर भाग सकता हूँ, तो इनके ऊपर चर्चा होनी है ताकि वो एग्जिट बंद हो। बिल्कुल हरीश जी, क्या हम इसे समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे कि कोरोना काल में जब अमेरिका जैसा देश भारत की तरफ एक टकटकी लगाकर उम्मीद के साथ देख रहा था, और हमने वैक्सीन निर्यात की बड़े पैमाने पर की, उसके बाद हमारा अभी जो चंद्रयान 3 गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि, 2023 में हम देख रहे हैं कि भारत ने बहुत सारी उपलब्धि अपने नाम की है, क्या इससे बहुत ज़्यादा फायदा भारत को होने वाला है आने वाले समय में? क्योंकि अब दूसरे देश भी बड़ी शक्तियाँ, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो, ये जान चुके हैं कि भारत अब महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है, और आने वाले ख्याल से में भी जब हम 100 साल पूरे करेंगे आज़ादी के, तब हम महाशक्ति के रूप में खुद को देखेंगे। बिल्कुल उसी तरफ हम लोग चल रहे हैं, महाशक्ति के रूप में। और हमारा हमारे देश का जो मानना है कि हम प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, इज्जत करना सिखाते हैं, यही हमारे देश का वो है, तभी हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मान के चलते हैं। हरीश जी, आपने बहुत सारी तस्वीरें G20 की देखी होंगी, तैयारियों से भी आप देख रहे हैं, आज जो हमने तस्वीरें देखी, वेलकम हमने किया, चाहे वो पुतिन आए, चाहे वो हमारे ऋषि सुनक आए जो कि हमारे देश में पैदा हुए, लेकिन हाँ वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति बने, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे कोई भारतीय बाहर जाकर इतना नाम भारत को रोशन करता है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? हमारी संस्कृति तो है ही अच्छी, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? सबसे मेज़बानी हम लोग कर रहे हैं, सबसे अच्छा तो ये है। दूसरा, उन्होंने जो आप G8 में नहीं थे, आज G20, G21 में आ गए हैं हम लोग, ये और वो सब हमारे को, मतलब सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं इस टाइम, कि हमारे बगल में हमारा पाकिस्तान है जो हमारी तरफ देख रहा है कि क्या होने वाला है। चाइना सबसे बड़ा देश है, वीटो पावर के साथ बैठा है, वो हमारी तरफ देख रहा है कि क्या ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में।
चांद पे जाना और इस तरह की उपलब्धियां, बहुत ये अपने आप में मायने रखता है हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे दिमाग को पूरे दुनिया में डंका बज रहा है इस टाइम कि हिंदुस्तान में ब्रेन भी है, ब्यूटी को भी लेके बात होती है, तो ब्यूटी कंटेस्ट में भी हमारे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सब हमारे कितनी बार आ चुके हैं, तो हमारे हर तरह से हमारे देश की चर्चा हो रही है। चलिए पहले दिमाग में लोगों के ये मैं निकाल दूं कि एक्सपेंस को लेके, तो G20 में जो एक्सपेंस हो रहा है वो लोग सोच रहे हैं कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं और देश मतलब हमारी सरकारें इस पर बेफजूल खर्चा कर रही हैं, तो पहले तो ये बेफजूल नहीं है। हमारे देश में कुछ मेहमान आए हैं जिनके आवभगत उनका खाना, उनका रहना वो हम लोग करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। G20 के सम्मेलन में खाना खर्चा, खाना जो हम अपने डिनर पे इनवाइट करते हैं, प्रेसिडेंट के यहाँ इनवाइट करते हैं, ऑब्वियसली अपने घर में हम लोग खुद खाना खिलाएंगे, उनसे पैसे लेके खाना नहीं खिलाएंगे, बट उसके अलावा जितने उनके खर्चे होते हैं, होटल में रहना, उनकी गाड़ियाँ, ये सब, इन सब का खर्चा अपने अपने देश, जो जो देश हैं आए हैं वो अपना खर्चा खुद करते हैं। अरेंजमेंट्स हो सकता है कि कोई एजेंसी, हमारी इंडियन एजेंसी करती है और वो अरेंजमेंट्स का काम करते हैं। हाँ, डेकोरेशन और इन सब चीज़ों पे खर्चा हमारा होता है, वो जो कि आगे काम आएगा, जैसे कि हमने प्रगति मैदान में देखा, वो आगे आज हमने खर्च किया है तो कल वो वही चीज़ हमारी किराए पे उठ के हमारे को वो वापस कमा के भी देगी, तो वो वन टाइम खर्चा नहीं है। भारत मंडपम की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, भारत मंडपम की मैं बात कर रहा हूँ, वो खर्चा नहीं है, वो हमने कमाई का एक स्रोत खोला है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था G20 के बारे में। देखिए तैयारियां तो बहुत, मैं इसीलिए क्लियर किया कि ताकि लोग इससे भटक ना जाएं और अपोजिशन इस चीज को ना बोले कि देखो सरकार ने बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो राहुल गांधी कर तो रहे हैं, तभी मैं समझाने के लिए यूरोपीय गए हुए हैं वो, और वहाँ जाकर यूरोपियन कंट्रीज में जाकर कह रहे हैं कि ठीक है, हम अच्छी बात है G20 कर रहे हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, तो मैं बता दूं कि आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, और इस सम्मेलन में किसी भी देश में हम लोग जाते हैं, हम जाएं या कोई दूसरे देश वाले आए, सब अपना अपना खर्चा खुद करते हैं, ये हर किसी का है। तो अभी जो राष्ट्रपति अमेरिका का खर्चा जो है, अगर आप देखें तो एक दिन का 24 से 25 करोड़ रुपए का खर्चा आता है उनका एक दिन का। अगर वो ढाई दिन या तीन दिन हमारे यहाँ रुके तो अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ के आसपास उनके रहने का खर्चा है। तो इसी तरह से बाकी देशों की अपेक्षा में काफ़ी सारे हैं। अच्छा, उम्मीदें हैं हमारे यंगस्टर्स को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या यंगस्टर्स समझने वाले हैं G20 से? अब तो G21 आगे मैं कहूँ तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत खुलने वाली है, एजुकेशन के ऊपर अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है, एजुकेशन के ऊपर अपॉर्चुनिटी, मतलब एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, देशों के बीच में किस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुलेगा, कौन सी चीज़ों पे एक्सपोर्ट टैक्स कम होंगे, कैसे होंगे, ये बहुत सारी चर्चाएं इसके अंदर होने वाली है। अब ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया आपने, ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत कम होता है कि लोग बात करते हैं, बहुत कम देश बात करते हैं। देखिए कभी ऐसा होता है कि जब हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, बहुत कई बार जब वो विदेश मंत्री रही तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने बचाया जो हमारे भारतीय जो बाहर दूसरे देश में जाके फंस गए थे, तो इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए वो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ताकि हमारे देश के जो नौजवान जब बाहर जाते हैं और वहाँ पर कमाते हैं और वो डॉलर जब हमारे इंडिया में वापस आता है, वो हमारी इकोनॉमी में हमारी उसकी ग्रोथ होती है, तो उनकी सुरक्षा भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई बाहर देश में, जैसे यूक्रेन में भी युद्ध हो गया था, तो इंडिया ने वहाँ से अपने नागरिकों को वहाँ से वापस बुलाया, सब कुछ अपने खर्चे पर बुलाया। सोचिए कि मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की कि कमाते आप हो तो उस पर टैक्स देते हो, बट आप टैक्स दे के कम अपने देश में वापस ला रहे हो। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जिक्र हम लगातार करते हैं 2014 के बाद से ही, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत फोकस किया। अब हम देखते हैं कि पहले हम आयात बहुत ज़्यादा बड़े देशों से करते थे, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, लेकिन अब हम निर्यात बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ये जो G20 है, ये हमारे निर्यात को क्या और ज़्यादा बढ़ावा देगा? बिल्कुल देगा, इसमें G20 हमारे इस निर्यात को बढ़ावा भी देगा और बल भी देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो अभी तक हम लोग क्या है, एक शर्ट भी बनाते थे, तो आप शर्ट को अभी ध्यान से देखिएगा, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन मतलब फलाना फलाना देशों के नाम उसमें आते थे, अब मेड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे आयात को भी बढ़ाएगा।
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बढ़ जाता है ना तो देश की इकोनॉमी अपना आप ही ग्रो करती है। और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम चंद्रयान 3 को पूरी तरह से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत वो बना है, तो उससे आगे फिर आप सोच सकते हैं कि भारत जो है कितनी तेज़ी के साथ आगे ग्रो कर रहा है। टेररिज्म का मैं जिक्र करूँगी, टेररिज्म बहुत बड़ी समस्या है, ये सिर्फ हमारे देश की नहीं है, ये पूरे विश्व की है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि टेररिज्म कोई समस्या ही नहीं है। क्या इस पर G20 पर इस पर जब बात होगी हम खुलकर आगे टेररिज्म का पूरा बॉयकॉट कर पाएंगे, या बॉयकॉट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्या हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे कि हाँ कैसे हम आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, हमारा देश इसके लिए बार बार हर प्लेटफॉर्म पर इसकी आवाज़ उठाता रहा है। समस्या लोगों को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि जिन्होंने टेररिज्म देखा नहीं है, जिन देशों ने देखा नहीं है उनको समझ में नहीं आता टेररिज्म आता कहाँ से है, कैसे होता है, कौन लोग होते हैं जो इस तरह से टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो शायद उनके ये जब किसी देश पर बीतती है ना तो उनको समझ में आता है। तो जैसे अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका को समझ में आया कि टेररिज्म क्या है। तो इंडिया के ऊपर तो कब से अटैक होते हैं, 1962-61 की बात मैं करूँ, तब से हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पर हमारे 2014 के बाद से जब से सरकार आई है आपने ये देखा होगा कि टेररिज्म पर कंट्रोल हुआ है, धारा 370 हटने के बाद बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है। आपने पहले दिल्ली के आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हुए आपको डर लगता था, आज वो डर नहीं है, आज उससे आगे हम पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने अपनी देखिए हमें जवानों हमारी जो सेना है उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो हमने हथियार आगे अपडेट किए हैं, अपग्रेड किए हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। देखिए, हमने सोच को अपग्रेड किया है, सबसे पहले हमने डर से जीत को अपग्रेड किया है। हथियार तो बात की बात है, वो अपग्रेडेशन और ये सब चीज़ें तो मेक इन इंडिया के उसमें आप कहा जाते हैं। जब हमारी सोच इस तरह से कि हमें इसको नहीं सहना है तो टेररिज्म अपना आप खत्म हो जाएगा। हम जवाब देना सीख गए हैं। पहले हम सह रहे थे, अब हम जवाब दे रहे हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं हर तरह से, अब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मेक इन इंडिया का जो रूल है वो यही है कि अपने आप को पहले इंडिपेंडेंट बनाओ और फिर आगे का आप करिए। ठीक है, हमने बात कर ली ह्यूमन राइट्स पर जी, इस पर हम बात कर ली, एजुकेशन पर हम बात कर चुके हैं, टेररिज्म पर हम बात कर चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है। G20 में सबसे ज़्यादा फोकस जो रहने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग पे रहने वाला है, पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, कैसे सही हो, क्योंकि हम देखिए विकसित तो हो रहे हैं लेकिन विकसित होने के साथ साथ हम ग्लोबल वार्मिंग को भी बहुत बढ़ा रहे हैं, हम अपने पर्यावरण को कितना ज़्यादा दूषित कर रहे हैं, इतने सारे हथियार, इतनी सारी मशीनरी, इतने जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हम पानी में भी जा रहे हैं, हम आसमान में भी जा रहे हैं, हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम छेड़छाड़ तो कर रहे हैं पर्यावरण के साथ। ये ग्लोबली हो रहा है छेड़छाड़, उसी छेड़छाड़ को लेकर चर्चा है कि किस तरह से इसको, सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग का है कि आप के जो जितने भी व्हीकल आज की डेट में जो घूम रहे हैं, आप देखो कि पेट्रोल डीजल की किल्लत है फिर भी गाड़ियाँ कम नहीं हो रही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया आपकी अब दुनिया में, तो पॉल्यूशन कम होगा उससे, नॉइज़ पॉल्यूशन भी एक है, ठीक है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे करके कम होगी। दूसरी बात है कि जब हम ऑफिस जाते हैं हम, तो अगर एक ही जगह से अगर हम चार लोग हैं तो हम आपस में शेयर करके जाएँ तो उससे ग्लोबल वार्मिंग पर फ़र्क पड़ेगा। हम लोगों को लगता है ना कि कई बार कि हमारे एक करने से क्या होगा, वो एक सोच जो बनती है ना तब जाके कहीं पूरे देश दुनिया पे असर पड़ता है। हम शुरुआत अपने घर से तो करके देखें, आपको जिस टाइम पे कोरोना के टाइम पे आपने देखा कहाँ था वो आप पॉल्यूशन दिख रहा था आपको, कहीं वो पॉल्यूशन लेवल इतना सुंदर हो गया था, मैं तो पशु ढूंढते हुए रोड पर आ गए थे कि इन जीव गए कहाँ, ये स्थिति थी इस टाइम। मतलब ये सोचिए कि वहाँ पर वार्मिंग, तब गर्मी में भी हम लोग थे, घर में एसी भी कम चल रहा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर, गाड़ियां कम चल रही थी, ये सब चीज़ें थी। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ पे भी चर्चा होगी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो जितने ज़्यादा आएंगे उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। बट हाँ, उसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है, उनकी बैटरी को कैसे हम डिस्कार्ड करेंगे आने वाले 5-7 साल बाद, उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अभी उसका प्रोविज़न अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हरीश जी, क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे G20 में किन किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत सारे
दो सत्र हो चुके हैं, तो आगे भी बातचीत चलती रहेगी। बातचीत इन्हीं मुद्दों पे है और मेजबानी हमारी अब कल या परसों तक इसमें प्रेस रिलीज जारी होगा, फिर देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया और तब तक हम इसे कवर करते रहेंगे। और वसुदेव कुटुंब की हमारी वो है, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं तो हम उसी तरह के उसमें हैं कि हम मेहमानों का स्वागत अच्छे से करें, हमारा कोई मेहमान नाराज ना हो, इस तरह से हमारा अभी वो है। तो भारत तैयार है, तैयारियां आप देख चुके हैं और जो शाही खाना है उसका लुत्फ भी जो बाहर से विदेशी मेहमान है वो भी उठाते हुए नजर आए हैं। एक ग्रैंड डिनर पूरी तरह से तैयार है, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमें किन किन टॉपिक्स पर और वीडियो बनाने चाहिए ताकि वो वीडियो हम आपके लिए ला सकें और आप उनको देखेंगे और ऐसे ही फिर जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानी चाहिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, वो आपके थ्रू और लोगों तक पहुँचेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।